के साथ झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रोली और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। हादसे के दौरान बाइक सवार भी चपेट में आ गया है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, अन्य 3 गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। NH-52 पर अकोदिया के पास ये घटना हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की भीलवाड़ा से, हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 3 घायल बताए जा रहे हैं और सभी को फिलहाल निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। NH-52 पर अकोदिया के पास की ये घटना बताई जा रही है। ट्रोले और कार की आमने सामने की भिड़ंत, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। झालावाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां एक ट्रोले और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। और बता दें आपको, हादसे के दौरान बाइक सवार इसकी चपेट में आए, 3 लोगों की अब तक हादसे में मौत हो गई है, 3 गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। NH-52 पर अकोदिया के पास ये घटना हुई है। फिलहाल सभी घायलों को निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो भीलवाड़ा से इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। NH-52 अकोदिया के पास ये हादसा हुआ है। लगातार हादसों का दौर जारी है। भीलवाड़ा झालावाड़ से भी तस्वीर सामने आई है, जहां पर ट्रोले और कार की आमने सामने टक्कर हो गई है। महेश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। महेश, क्या जानकारी और मिल रही है खबर पर, और जो घायल हैं उनकी क्या स्थिति बताई जा रही है? जी बिल्कुल, अगर पूरा घटनाक्रम की बात की जाए तो नेशनल हाईवे जो 52 है, उसमें झालावाड़ असनावर के बीच में अकोदिया गाँव के आसपास की घटना है, जहाँ पे एक तेज रफ्तार ट्राले और जो कार थी उसकी आमने सामने की भिड़ंत हुई है। इस दौरान एक बाइक सवार भी इन जो हादसे का शिकार हुआ है, और जो ट्रक के पहियों के नीचे बाइक सवार दब गया था। पूरे घटनाक्रम में अभी तक 2 लोगों की पूरी तरीके से मौत हो चुकी है, और एक जो अन्य है उसका अभी जिला अस्पताल में लेकर आ रहे हैं, बाकी 3 और अन्य गंभीर घायल है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 2 लोगों की तो पूरी स्पष्टता है, यहाँ पर मौत हो चुकी है, 4 अन्य गंभीर घायल है जिन्हें जिला अस्पताल के लेके आया गया है। हालांकि अभी प्राथमिक जो प्रथम दृष्टि ये पता नहीं चल पाया कि ये कहाँ से जा रहे थे, कार सवार चालक कहाँ के हैं। इस मामले में अभी पुलिस कुछ देर में अनुसंधान करेगी। जी चलिए, धन्यवाद महेश तमाम जानकारी देने के लिए आपका। लगातार नजर बनाए रखिएगा खबर पर। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बूंदी